नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आज आपके लिए लेके आया है ओरिजिनल स्पटिक की माला एंड बहुत यूनिक पेंडेंट्स है। सो आपके घर में बच्चे इस पेंडेंट्स को यूज कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग करके भी दे सकते हैं और आपको धरने की जरूरत नहीं है। बच्चे के दिमाग को बिल्कुल संतुलन में रखने के लिए इनको पॉजिटिव एनर्जी हमेशा एमिट करने की एक महा शक्तिशाली क्रिस्टल्स को हम हमेशा बच्चों को पहना सकते हैं। तो स्टाइल की स्टाइल भी है, एनर्जी की एनर्जी भी है एंड प्रोटेक्शन भी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पेंडेंट। फ्रेंड्स, दिस इज लाइफ ऑफ ट्री पेंडेंट इन रोज क्वार्ट्ज एंड दिस इज ओम सिंबल है एंड दीज आर लाइफ ऑफ ट्री एंड ओम मिक्स में है। और हमारे पास टाइगर आई, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरन है और वाइट। फ्रेंड्स, हमारे पास ये क्रिस्टल्स रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टाइगर आई, लैपिस लजुली, ग्रीन एवेंचुरन, ये सारे हमारा बुद्धि में और एनर्जी में काम करते हैं। और जो भी बच्चा बहुत ही सेंटिमेंट हो रहे हैं और अपना डिसीजन खुद ले नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम ये टाइगर आई यूज कर सकते हैं। आप पीछे से भी देख सकते हो, ये टाइगर आई को हम यूज कर सकते हैं। क्राइसोफ्रीजिया और लोगों को कोई भी कुछ भी कहता है, मान जाते हैं ये सच है, ये गलत है, मुझे करना है, नहीं करना चाहिए, ऐसा जो भी डिसीशन पावर लेने की ताकत नहीं है और कंफ्यूजन माइंड में रहता है, उनके लिए ये टाइगर आई बहुत करेज भी देती है और दिमाग में कंफ्यूजन को क्लियर करती है। सो दिस इज टाइगर आई एंड दिस इज ग्रीन एवेंचुरन, हायर डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए एंड डिवाइन फ्लो को बढ़ाने के लिए। किसी को आस्थमा है, लंग के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए ग्रीन एवेंचुरन सुपर है। एंड दिस इज रोज क्वार्ट्ज, आप सबको पता है दिस इज द लव क्रिस्टल। किसी को भी आप गिफ्ट देना चाहते हो या एंजल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो और इनवाइट करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट है। एंड द नेक्स्ट इज लैपिस लजुली, आपको अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना चाहते हो और विशुद्धि चक्र के थ्रू जो भी आपकी कमाई करना चाह रहे हो, फिर आप सेल्स पर्सन हैं और लॉयर हैं, कोई डिबेट करते हैं, टीचर हैं, फिर ऐसा आपकी टॉकिंग पावर से किसी को भी मंत्रमुग्ध करना है, सो देन लैपिस लजुली इज द बेस्ट। एंड थायरॉयड, वोकल कार्ड्स एंड गम्स ब्लीडिंग एंड टीथ, इन सब चीजों के लिए बहुत ही सुपर क्रिस्टल है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमारे पास एंड दिस इज एमेथिस्ट, आप एमेथिस्ट को भी देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सहस्रार चक्र के लिए, सहस्र बुद्धि के लिए और थाउजेंड टाइप्स ऑफ सोच एक ही बार सोचने जैसा ज्ञान के लिए और क्षमता के लिए एमेथिस्ट इज द बेस्ट क्रिस्टल। सो ये ट्रेडिशनली ओम के ऊपर भी है और हमारा लाइफ ऑफ ट्री के ऊपर भी है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स, ये ओनली एंड ओनली ये पेंडेंट्स 600 रुपीज है और ये स्टाइल की स्टाइल भी है और ये काला भी नहीं पड़ते हैं, ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का है एंड आपको क्रिस्टल भी मिल रही है एंड इसके साथ स्टाइल से भी ये पेंडेंट्स है। सो कोई भी यंगस्टर्स है और अपनी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से भी आप पहनते हो तो बिल्कुल स्टाइलिश लगती है। सो फ्रेंड्स, दिस आर ओनली एंड ओनली 600 रुपीज। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक शेप उल्लू का है, ओवल, जो लक्ष्मी देवी की वाहन है। सो सहस्रार चक्र के रिलेटेड एमेथिस्ट क्रिस्टल में ये ओवल अवेलेबल है, सो आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कछुआ, जो हम कछुआ श्रीयंत्र और कछुआ का यूज करते हैं, ये सब फाइनेंस के रिलेटेड की शेप जो है और जो प्रॉस्पेरिटी के रिलेटेड एनिमल किंगडम जो है उसी से कॉन्सेप्ट से हमने बनाए हैं। और एक दिस वन इज रैबिट है, सो हार्ट चक्र के लिए ये बहुत ही फेंगशू में भी हम यूज करते हैं, लव रैबिट्स। सो ये दोनों लव रैबिट्स हैं और ये सहस्रार चक्र के लिए और फाइनेंस के लिए हमको जो भी सोच आना है एंड लक्ष्मी देवी की अनुग्रह के लिए ये पेंडेंट है। सो ये ओवल शेप में एमेथिस्ट के थ्रू बना हुआ है और एक कछुए की शेप में बना हुआ है एंड हमारे पास लव रैबिट्स है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मून। सो किसी का भी चंद्र ग्रह दोष है या चंद्र के रिलेटेड कोई भी परेशानी है और चंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं
अपनी मदर की साइड कोई भी प्रॉपर्टीज को ये लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ट्रांसफर करना चाहते हैं, कोई भी हर्डल्स आ रहे हैं, तो ये मून इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड जो भी आपकी मदर की साइड से किसी से भी आपको झगड़ा चल रही है, उस नेगेटिव क्वार्ट्स को खत्म करने के लिए द रोज क्वार्ट्स हार्ट चक्र वाला क्रिस्टल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड दीज क्रिस्टल्स, ये पेंडेंट्स ओनली एंड ओनली 450 रुपीज, 450 रुपए की ये पेंडेंट है एक एक। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सस्ता है और काला नहीं पड़ता है, और आपको स्टाइल के स्टाइल भी होता है और काम के काम भी होता है, और हर शेप की एक इम्पोर्टेंस भी है। फ्रेंड्स, लारिमर ये स्टोन खुद ही बहुत एक्सपेंसिव है, एंड ये ऐसा ही अपना काम करती है। लारिमर एनलाइटमेंट हीलिंग इन ए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वे में बहुत स्पीड काम करती है, और हार्ट चक्रा को, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा को स्टिमुलेट करती है, और ये इनर विजडम को एंड आउटर मैनिफेस्टेशन को, दोनों को बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ माइंड के थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन को एक्टिव करवा देती है। मीन्स हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं या परफेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमको खुद को मालूम नहीं है। ऐसी चीजों पर आपको बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है। जो भी होलिस्टिक हीलर्स होते हैं एंड स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, वो सब लारिमर पहनना बहुत पसंद करते हैं। एक तो काइनाइट है और दूसरा लारिमर है। किसी को हम हीलिंग भी देते हैं तो ये क्रिस्टल उनकी तक भी काम करती है, और सामने वालों को कौन सा हीलिंग देने से ये सही होता है उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको और इंट्यूशन आपको बहुत जल्दी देती है, और ये स्टोन कम्युनिकेशन के लिए बहुत 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 सुपर स्टोन है। दिस लारिमर पेंडेंट, जो भी स्मॉल साइज की लारिमर पेंडेंट है, ये सब ओनली एंड ओनली 800 रुपीज है। इसके साथ आप एक मून स्टोन का भी पेंडेंट देख सकते हैं, ये सब 800 रुपीज है। जो भी बड़ा साइज की लारिमर है वो आपको 1500 रुपीज है। सो ये लारिमर इज वेरी 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 हाई इंट्यूशनल क्रिस्टल है। किसी को भी आप हीलिंग दे रहे हो तो आपको कौन सी हीलिंग देना है, इस बात पे आपको बिल्कुल माइंड को इंट्यूशन एंड क्लैरिटी देने वाली सुपर क्रिस्टल है। एक बार आप भी अपनी तरफ से गूगल में सर्च कर लीजिए लारिमर की हीलिंग बेनिफिट्स। आर सुपर फाइन क्वालिटी जेमस्टोन्स है ये। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, दिस इज एमेथिस्ट स्मोकी क्वार्ट्ज, सिट्रिन स्मोकी एमेथिस्ट एंड स्मोकी सिट्रिन, येलो सिट्रिन। ये हमारा मणिपुरा चक्रा के लिए, गुरुग्रह के लिए, लक्ष्मी देवी के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज एमेथिस्ट, आप सबको बताएं, ये सहस्रार चक्रा के लिए और माइंड एक्टिव रहने के लिए, रिमेम्बर पावर के लिए यूज करते हैं। स्मोकी है, और हमें जो पुराना बातें हुक्ड है वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और राहु ग्रह के लिए कोई भी परेशानी है, और आपके घर में कोई भी नैरुति कॉर्नर पे परेशानी है, और कोई भी इंसान बिना दिखे किसी टाइप के आपको सता रहे हैं, फिर राहु से उपाय करने के लिए ये स्मोकी क्वार्ट्ज बेस्ट है। और कंप्यूटर के पास आप ज्यादा देर काम कर रहे हो तो ये एमेथिस्ट एंड स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ताकि आपको रेडिएशन नहीं लगे। आप किसी भी रेडिएशन जगह पे हो तो भी आप एमेथिस्ट या स्मोकी क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं। एंड ये रिंग्स ओनली एंड ओनली 800 रुपीज है, ये अभी आपके ऑफर प्राइस में ओनली 800 रुपीज है। नॉर्मल इसका प्राइस अबोव 1000 की अबोव है, अभी ऑफर प्राइस में आपके पास 800 रुपए में आ रही है। एंड फ्रेंड्स, दिस इज मूनस्टोन लैब्राडोराइट एंड दिस इज लारिमर अगेन, एंड लैब्राडोराइट्स, मूनस्टोन्स एंड लारिमर्स, ये तीनों चीजों को आप देख सकते हैं इधर। ये सब मूनस्टोन तो चंद्रमा के लिए है, माइंड को कूल एंड काम करने के लिए है। किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो वो भी चंद्रमा की वजह होती है, तो उसको भी काम डाउन करने के लिए ये रिंग बहुत यूज होती है। एंड लैब्राडोराइट स्पिरिचुअली डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। एंड लारिमर तो आप किसी को भी हील कर रहे हो, आप हीलर हो और किसी की ऑरा देखना चाहते हो और किसी के बारे में जानना चाहते हो, और आपकी वाक से कोई क्लासेस बोल रहे हो आप कोई भी वाक है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है, ये लारिमर इज द
बेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये सारे रिंग्स आपके पास ओनली एंड ओनली 800 रुपीज में है, एंड ये सारे रिंग्स एडजस्टेबल में है। ये सारे एडजस्टेबल रिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, तो इसलिए साइज से कोई भी परेशानी नहीं है। मोटे से मोटे, छोटे से छोटे सबको आते हैं। तो हमारे पास सिट्रिन, लैब्राडोराइट, एमेथिस्ट, लारिमर, स्मोकी क्वार्ट्ज एंड मूनस्टोन की रिंग्स अवेलेबल है। तो ये सारे रिंग्स ओनली एंड ओनली 800 रुपीस इन ऑफर। इधर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्फटिक माला है एंड दोनों बहुत सुपर एंड फाइन क्वालिटी का एंड 108 बीट्स की है। सो फ्रेंड्स, ये जपमाला है, ये जपमाला क्रिस्टल की फेमस है, पूरी वर्ल्ड वाइड ये क्रिस्टल की फेमस है। सो कोई भी हो, हरे रामा हरे कृष्णा हो, या नॉर्मली घर पे भी कई लोग कई चीजें चांटिंग करते हैं, तो ये क्रिस्टल क्यों फेमस है? ये क्रिस्टल हमको लाइफ पर्पस को स्ट्रेंथनिंग करती है और स्ट्रेस को कम्प्लीटली रिमूव करती है एंड हीलिंग एबिलिटीज को सपोर्ट करती है। एंड ये ऑल ओवर द सारे एनर्जीज को बैलेंस करना, स्मूथ करना, काम करना ये करती है। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक खासियत है इस क्रिस्टल में, आप जपमाला लेके एक बार एक बीड को हाथ में लेके एक बार मंत्र को जाप किया, क्रिस्टल की बीड उस मंत्र को अपने अंदर निक्षिप्त करती है। फिर एक एक बीड को आप हाथ में लेके एक एक बार मंत्र जप करने के बाद उस क्रिस्टल की माला कहीं भी रखे रहती है, फिर वो उसी एनर्जी को हजारों बार फिर वो रेजोनेट करती रहती है, मीन्स उसके आस पास पूरा उसी मंत्र का शक्ति से ये भरती रहती है। सो ये इस पूरी वर्ल्ड की फर्स्ट टेप रिकॉर्डर को हम क्रिस्टल को भी बोलते हैं। सो कोई भी इंसान कोई भी शब्द बाहर निकालता है वो इसके अंदर रिकॉर्ड करती है, फिर बाद में इसको एमिट करती रहती है। तो ये माला की क्वालिटी के हिसाब से, और आपने दो बार, चार बार, छह बार, जितनी बार उस मंत्र को पढ़ा उसी हिसाब से ये 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी उस एनर्जी को बाहर एमिट करती रहती है। आपके घर में और भी सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, फिर आप कोई बीमार है, महामृत्युंजय पढ़ लिया, फिर उनको ये माला थोड़ी देर पहनने के लिए दे दिया, फिर अगेन इसको शुद्ध कर लिया आपने, फिर इसको महामृत्युंजय पढ़ के फिर थोड़ी देर इनको माला पहनने के लिए दे दिया, तो भी सामने वालों को इसका फल मिलती है। अब बच्चे हैं तो वो पढ़ाई सही नहीं कर रहे हैं, तो हरग्रीव की मंत्र, सरस्वती देवी की मंत्र आपने पढ़ के थोड़ी देर बच्चों के लिए दे दिया, तो वो उसके ऊपर 100% काम करती है, है ना। ऐसा बहुत सारे यूजेस है क्रिस्टल के बारे में। एंड द मोस्ट हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्रिस्टल बहुत यूज होती है, इसको हम कॉस्मोस भी बोलते हैं। और ये कॉस्मिक एनर्जी कहाँ क्रिस्टल है, वहाँ कॉस्मिक एनर्जी। जैसा हम सांस ले रहे छोड़ रहे वैसा ही क्रिस्टल हमेशा कॉस्मिक एनर्जी को ब्रीथ इन करती है, ब्रीथ आउट करती रहती है, ब्रीथ इन करती है, ब्रीथ आउट करती रहती है। एंड फ्रेंड्स, कई लाखों साल से हायर डायमेंशन की कई मास्टर्स की इंफॉर्मेशन इस क्रिस्टल के अंदर निक्षिप्त होता है। कोई भी क्रिस्टल आपके पास आया तो मजाक नहीं है, तो ये लाखों सालों के पहले ही रचित थी। तो ये क्रिस्टल यूज करके आपको ये वाली ज्ञान आपको मिलना चाहिए, ये एनलाइटमेंट आपको मिलना चाहिए, ये सोल प्रैक्टिस आप करना चाहिए। सो दिस ऑल इज स्क्रिप्टेड। सो फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी। सो हमारे पास दो वेराइटी है, कटिंग बीड है, ये इसके ऊपर फैसेटेड है, डायमंड कट है, ये प्लेन है। तो फ्रेंड्स, ये डायमंड कट 2500 रुपीस, 108 माला है, 8 mm का है, 2500 रुपीस है, और ये प्लेन माला 2000 रुपीस का है, और ये 108 गुड फर्स्ट A1 क्वालिटी का है, ये सेकंड नहीं, एक दाने पे भी कुछ भी अंदर स्मोक या क्रैक या कुछ भी नहीं है, ईच एंड एवरी बीड बहुत परफेक्टली बना हुआ है। सो दिस इज ऑफ 2000 रुपीस प्लेन वन एंड 2500 रुपीस ऑफ कटिंग।